Hey, hi everyone. How are you? My name is Gaurav. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादाम या फिर एलमंड्स को कैसे ग्रो करें। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड शेयर करूंगा और दोनों ही बहुत इजी वे में शेयर करूंगा ताकि आप बहुत आसान तरीके से अपने घर पर खुद अपने हाथों से बादाम उगा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो कि बहुत आसान है। आपको एक बाउल लेना है, कोई भी आप बाउल ले सकते हैं, या तो प्लास्टिक का हो या कांच का या स्टील का। उसमें आपको जितनी भी आपकी बादाम ग्रो करनी है, आपकी बादाम उसमें डाल दीजिए और उसको पानी से भर दीजिए। और ये आपको प्रोसेस करना है पूरे 24 घंटे के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए आपकी बादाम को पानी में भिगो के रखना है। नियरली 24 आवर में आपकी बादाम आपको थोड़ी सी फूली हुई नज़र आएगी और पानी आपको थोड़ा सा पीला नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल है, अब आप अपनी बादाम को ग्रो कर सकते हैं। अब आपका एक सवाल आपके जो मन में आ रहा होगा, वो उसका आंसर मैं दे देता हूँ कि आपको बादाम कौन सी उगानी है। आप नॉर्मल जो बादाम खाते हैं वो इजीली उग जाती है, कोई स्पेशल बादाम हमें मार्केट से नहीं परचेस करनी है। चलिए इन्हें ग्रो कर देते हैं। अब इजीली उग जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी उगा सकते हैं। इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है अदर सीज़न में ग्रो करने का, और एक विंटर सीज़न में अलग मेथड होता है। तो सेकंड मेथड वो विंटर सीज़न वाला है। पहले आप देख लें अदर सीज़न में कैसे ग्रो करना है। आपको एक एयरटाइट कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी और कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख लें किस तरह से हम कोकोपीट स्प्रेड कर रहे हैं अपने कंटेनर के अंदर। अब हम हमारी बादाम को इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि इनको इंडिविजुअल स्पेस मिले अपनी रूट्स को ग्रो करने के लिए। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाटर का लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि हम फ्रिज में रखने वाले हैं और एयरटाइट कंटेनर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रिज पानी खींच लेता है। तो कोशिश करें आपका जो सॉइल मिक्स रहेगा, जो कि है कोकोपीट, उसमें अच्छे से नमी बनी रहे। ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, एयरटाइट कंटेनर है तो यहाँ पर पानी आपको बहुत सोच समझ कर ही डालना होगा। चलिए, अब इसे फ्रिज में रखने का समय आ गया है। फ्रिज में रखने से पहले हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको बादाम को 24 घंटे के लिए आपको पानी में भिगो के रखना है, बस इतना सा काम करना है। और 24 घंटे के बाद आप नोटिस करेंगे आपकी बादाम फूल जाएगी और कुछ इस तरह से पॉइंटेड पार्ट निकल जाएगा आपकी बादाम के अंदर से, अगर आप उसे छील कर देखते हैं तो दोस्तों यही वो रूट होती है जो ग्रो होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सेकंड मेथड, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन के लिए, उसे कैसे ग्रो करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों, अच्छा सॉइल मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे 20% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का 50% नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल। ये दोस्तों एक नॉर्मल सॉइल मिक्स है, आप नॉर्मल सॉइल में भी उगा सकते हैं, बट कोकोपीट और अगर वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। आपको एक नॉर्मल 5 से 6 इंचेस के आसपास का पॉट लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 बादाम ग्रो करने वाले हैं तो सबको इनफ स्पेस मिलनी चाहिए। हमने हमारा पॉट प्रिपेयर कर लिया है और पॉट के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अच्छे से बादाम को प्लेस करें एक इंडिविजुअल डिस्टेंस पे। और दोस्तों, ये जो मेथड है ये विंटर सीजन के लिए लागू होगा और इसमें 100% रिजल्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर फंगस लग जाती है और हमारे बादाम ख़राब हो सकते हैं। और आप अपने बादाम को कवर करें बस। फाइनली एलमंड्स के पॉट को आप वाटर दीजिएगा और दोस्तों, इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। ना ज़्यादा धूप आनी चाहिए, ना ज़्यादा छाया रहनी चाहिए और ना ज़्यादा हमें वाटर डालना है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड पर फिर से आ जाते हैं। हमने जो पॉट प्रिपेयर करा था उसको दोस्तों फ्रिज में रखने का समय आ गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपको फ्रिज के अंदर रखना है। फ्रिज में इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती है और तभी हमारी बादाम ग्रो होगी जब उसको एक राइट टेम्परेचर मिलेगा, और वो फ्रिज में ईजिली मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों, हमारे एलमंड्स को नियरली 15 डेज़ हो चुके हैं फ्रिज के अंदर, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, एवरी 10 डेज़ में आपको चेक करना है कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है। कुछ इस तरह से जो आपको टॉप लिड पर पानी की बूंदें दिख रही है, ऐसी बूंदें आपको हमेशा दिखनी चाहिए, और अगर एक्सेस होती है तो आप इन्हें झटक कर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 दिन में हमारे एलमंड्स कैसे नज़र आ रहे हैं।
अगर 15 दिन में आपके एलिमेंट्स के ऊपर इस तरह से क्रैक नज़र आ रहे हैं, मतलब वाइट पोर्शन अंदर से बाहर नज़र आ रहा है, तो आप समझ जाना आपकी बादाम अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। और अगर ये लूज़ हो गई है, गल गई है, तो डेफिनेटली आपकी बादाम ख़राब हो चुकी है। ये देखें, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी एलिमेंट्स ग्रो हो रहे हैं। नियरली 30 डेज़ हो चुके हैं दोस्तों, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, एवरी 10 डेज़ में आपको चेक करना है, ना ज़्यादा वाटर हो ना ज़्यादा वाटर की कमी हो। यहाँ पर दोस्तों आप लिड के ऊपर वाटर देख रहे हैं, उसे आप ड्रेन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बट आपके कोकोपीट के अंदर हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए। चलिए बादाम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको सरप्राइज रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमारी एक बादाम ने क्रैक ले लिया है, मतलब अब ये ग्रो होने के लिए रेडी है। अगर आप चाहते हैं चेक करना, तो बहुत ही हल्के हाथों से चेक करिएगा, क्योंकि बादाम को अगर प्रेस कर दिया तो वो ख़राब हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक रूट देख ली है, मतलब हमारे एलिमेंट्स ग्रो होने लग गए हैं। नियरली 30 डेज़ के बाद ही दोस्तों पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। और दोस्तों आपके लिए अब हम एक लाइक टारगेट देने वाले हैं। मुझे इस वीडियो में अगर आप 3000 लाइक दे सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को 3000 लाइक ज़रूर कर देना। नियरली 40 डेज़ हो चुके हैं, और हमारे एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं, इन्होंने काफ़ी लंबी लंबी रूट्स प्रोड्यूस कर लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको लग रहा होगा प्रोसेस बहुत आसान है, बट दोस्तों ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है। तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने आज से पहले कभी बादाम ग्रो करी है, या हमारे वीडियो को देखने के बाद अब ग्रो करने की इच्छा आ चुकी है। चलिए देख लेते हैं चारों के चारों हमारे एलिमेंट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी है दोस्तों, और यहाँ पर फंगस की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, और एलिमेंट्स हमारे बहुत हेल्दी है। नियरली 50 डेज़ हो चुके हैं, और यहाँ पर अब चैलेंज आपके लिए स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम अदर सीज़न में ग्रो करने वाले हैं बादाम को, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके लिए आप आगे समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखें कितनी लंबी लंबी रूट्स डेवलप हो चुकी है, वो भी फ्रिज के अंदर। अब हम हमारे बादाम को फ्रिज से बाहर ग्रो करने वाले हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आगे जो आपको पॉइंट शेयर करूँगा उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स, 2 बादाम ही ग्रो करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहेंगे हमारे सारे के सारे बादाम ख़राब हो जाए। इसलिए हम एक बार पहले चेक करेंगे हमारे 2 बादाम ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके लिए ग्रोइंग मीडिया हम कोकोपीट ही लेने वाले हैं, क्योंकि कोकोपीट में बहुत अच्छे तरीके से हमारे सीड्स ग्रो हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। हम कोकोपीट को पहले गीला करते हैं, और फिंगर से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की रूट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो वो रूट बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। खाली एलिमेंट्स दिखेगा तो चलेगा, बस आपकी जो पूरी की पूरी जो रूट डेवलप हुई है करीब 1-2 इंच के आसपास की, वो पूरी कोकोपीट के अंदर चली जानी चाहिए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा कोकोपीट एवरी टाइम मॉइस्चर में रहना चाहिए, मतलब हमारी बादाम को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट काम, अगर आप बादाम ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा लाल चींटियाँ होती है, वो बादाम को खा जाती है। इसलिए हम इस ट्रे की हेल्प लेंगे, जिससे चींटियाँ हमारे पॉट के अंदर नहीं जाएगी। आपको एक पत्थर या फिर स्टोन मार्बल का टुकड़ा कुछ भी रखना है, उसके लेवल तक वाटर भरना है, और बस आप देख सकते हैं एक लाल चींटी अभी घूमने लग गई थी हमारे उस मार्बल के टुकड़े के ऊपर। तो आपको कुछ इस तरह से अपने दोनों पॉट रखने हैं, छोटे छोटे पॉट सेलेक्ट करना, ताकि आपको उनको हैंडल करने में बहुत आसान रहेगा। अब आप ध्यान से देख लें इसे रखना कहाँ पर है। आपको मनी प्लांट के नीचे रखना है, या फिर बहुत ज़्यादा लीफी कोई प्लांट हो उसके आसपास रखना है। यहाँ पर नमी बनी रहती है और ठंडापन बना रहता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो 2 बची हुई बादाम थी, उन्हें भी हमने इस बड़े से पॉट में ग्रो कर दिया है, और सेम प्रोसेस से हमने उसे लगा दिया है। और चींटियों से बचाने के लिए दोस्तों सेम मेथड यूज़ करा है हमने। एक बॉल लिया है और उसके ऊपर स्टोन रख दिया। आप ईंट का टुकड़ा कुछ भी रख सकते हैं, और अपने प्लांट को और या फिर पॉट को रख दें, आपका प्लांट सेफ रहेगा। जब तक उसके अंदर न्यू लीफ डेवलप नहीं हो जाती तब तक आपको उसे सेव करके रखना है, उसके बाद आप उसे नॉर्मल ज़मीन पर रख सकते हैं। आफ्टर 70 डेज़ हमारे एलिमेंट्स के प्लांट दोस्तों आप देख सकते हैं कितने लश ग्रीन नज़र आ रहे हैं, और कितने ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं। हमारे कोकोपीट ने बहुत अच्छा काम करा, हमारे एलिमेंट्स के सीड में से पौधे निकाल दिए, और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था हमने मनी प्लांट के नीचे, तभी ये हो पाया है। अगर आप उसे एक ड्राई एरिया पर रख देंगे या फिर किसी भी अलग स्पेस पर रख देंगे, तो एलिमेंट्स इतने आसान तरीके से नहीं ग्रो होंगे, क्योंकि अभी समर सीज़न चल रहा है। आफ्टर 75 डेज़ हमारे एलिमेंट्स के सीड्स, हमारे बादाम के पौधे दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी है, और कितने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं।
अब दोस्तों आने वाले फ्यूचर में मैं इसे ग्राउंड में लगाने की सोच रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारे बादाम के पौधे को दोस्तों लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं जो कि विंटर सीजन में आपको फॉलो करना है। सॉइल में ग्रो करे हुए नियरली 40 डेज हो चुके थे और हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया और दोस्तों मैंने मिट्टी खोद के बादाम के पौधे को चेक कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हुई है और लगभग 40 डेज के बाद। चलिए फिर से कवर कर देते हैं और वेट करते हैं इसके बाहर आने का। नियरली 45 डेज के बाद ही हम हमारे एलमंड के प्लांट को, बादाम के पौधे को देख सके और दोस्तों आप देख सकते हैं लीफ किस तरह से एकदम इकट्ठी होकर निकल रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और विंटर सीजन में आप ये ज़रूर ट्राई करना, अपने बादाम को सॉइल मिक्स में डाल देना, आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी हाइट आप देख सकते हैं नियरली 50 डेज में 1 इंच के आसपास है। 60 डेज में हमारे प्लांट ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और इसकी लीफ भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से ग्रो हो चुकी थी। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा और आप कौन सा मेथड जल्दी प्रेफर करेंगे ग्रो करने। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो डेफिनेटली आप ज़रूर ट्राई करना एलिमेंट्स को ग्रो करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप हमसे जुड़े रहें और नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।